नमस्कार प्राइम वीक न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त खबर वाराणसी उत्तर प्रदेश से। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी में आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चौथे दिन नई दिल्ली स्थित विवेकानंद प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की एसोसिएट प्रोफेसर जसप्रीत कौर रिसोर्स पर्सनल उपस्थित रहे। वहीं प्रोफेसर जसप्रीत कौर ने सिस्टमेटिक रिव्यू लिटरेचर के संदर्भ में प्रतिभागियों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। प्राइम वीक न्यूज के लिए रोहित सेठ वाराणसी उत्तर प्रदेश। जी अपना परिचय बता दें। मैं प्रोफेसर अमिताभ पांडे, यहाँ मैं संयोजक भी हूँ। ये जो 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, ये किस तरह का कार्यक्रम है और इससे कितना फायदा टीचर्स को होगा? हम यहाँ प्रतिवर्ष स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आजकल सारी परिस्थितियाँ बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग रह रहे हैं और जो जनरेशन आ रही है स्टूडेंट्स की, वो पुरानी जनरेशन से अलग उनका व्यवहार भी है, उनकी सोच भी है। तो उनको इंगेज करना क्लास में या उनको पढ़ाने के लिए फैकल्टी मेम्बर्स को भी समय समय पर अपने आप को अपडेट करना होता है। और केवल एक फैकल्टी मेम्बर किताबी ज्ञान से ही उनको अपने कक्षा में बांध नहीं सकता, उसको रिसर्च एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। रिसर्च का बहुत महत्व है। आज कौन सा दिन है? चौथा दिन है। तो आज चौथे दिन में किस सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है? आज MVO सॉफ्टवेयर पे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस सीख रहे हैं, जिसके लिए एक रिसोर्स पर्सन हमारी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज न्यू दिल्ली से डॉक्टर जसप्रीत कौर आई हुई है। तो आज उनका सेशन चल रहा है, कल भी उन्होंने एक सेशन लिया था जिसमें उन्होंने सिस्टमैटिक लिटरेचर भी और मेटा एनालिसिस पे लोग। क्या ऐसा नहीं लगता सर कि हर कॉलेज को ही, जो यहाँ पे 7 दिवसीय चल रहा है, हर कॉलेज को इसी तरह टीचर्स को अपडेट करने के लिए प्रोग्राम कराने चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते जा रहे हैं और उसके हिसाब से आज फैकल्टी मेंबर्स को भी अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। खासतौर पे जो जनरेशन जी है, जिसको आज हमें पढ़ाना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए हमें अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। उसमें रिसर्च एक्टिविटीज़ का बहुत महत्व है और टीचर्स को नई नई विधाओं को सीखना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम को लेकर हम कॉलेजेस और टीचर्स को क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें हमें बाहर के कॉलेजेस से भी रिस्पांस मिला है, लोग आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे फैकल्टी मेंबर्स तो वही हैं और यहाँ पे RSMT, BHU के रिसर्च स्कॉलर्स ये सारे यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि वो खुद इस बात से अवगत हैं कि उन्हें भी अपने आप को अपडेट करना है और इसका हमें रिस्पांस अच्छा मिला। हम चाहते हैं कि और भी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। सर मेरा एक सवाल है कि इसमें ऐसा नहीं लगता है कि शासन प्रशासन को भी टीचर्स, जो सरकारी टीचर्स हैं या कॉलेजेस के टीचर्स हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए ऐसे प्रोग्राम कराते रहना चाहिए? बिल्कुल कराते रहना चाहिए और समय समय पर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, करते रहते हैं, लेकिन